अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ असद और आज की एपिसोड में आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चाय लेके आए हैं जो कि है कश्मीरी चाय। इंग्रेडिएंट्स देखिए और उसके बाद इस चाय का प्रोसीजर क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है, वो बताते हैं आपको इंग्रेडिएंट्स के बाद। अब सबसे पहले हम डालेंगे इसमें पानी। अगर आपको 2 कप कश्मीरी चाय बनानी है तो आप 1 कप पानी डालेंगे, 1 से 1.5 कप, और फिर उसके बाद हम डालेंगे इसमें दूध। तो सबसे पहले मैं पानी डाल रहा हूँ, ठीक है जी, ये हमने पानी डाल दिया। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास एनएक्स की मल्टीपर्पज़ कैटल है और आज हम इसमें बनाएंगे चाय। अच्छा, अब इसको हम ऑन कर लेते हैं और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, ठीक है। और मैं इसको ऑप्शन को रख रहा हूँ बॉइलिंग पर, ठीक है। बॉईल पर हमने इसको ऑन कर लिया, उसके बाद इसमें शामिल करेंगे हम पत्ती। कश्मीरी चाय का कहवा जो है आप देख रहे हैं तैयार हो रहा है और ज़बरदस्त सा इसमें कलर आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताऊंगा आपको कि अगर आपकी पत्ती से कहवा जो जब बनाया आपने तो कलर नहीं निकल रहा, तो अब चुटकी भर खाने का सोडा इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है, उससे भी कलर इसमें अच्छा आ जाता है। और अब मैं क्या करूँगा, अब बारी है इसको फेंटने की। फेंटने से मुराद जब आपका कहवा तैयार हो जाएगा, अब इसमें कश्मीरी चाय में हम डालेंगे दूध और इसकी फिटाई करेंगे। उसके साथ ही चीनी डाल दीजिए, या आप चीनी अलग से रखना चाहें तो अलग से भी रख सकते हैं। अब इसमें जब हमने दूध शामिल किया, अब इसको आपने इस तरह से करके इसको फेंटना है। और ये जो आपने प्रोसीजर करना है, कम से कम 10 से 15 मिनट तक आपने इसको अच्छे से फेंटना है ताकि ये खूब अच्छे से पक जाए। यहाँ पर कश्मीरी चाय तैयार हो चुकी है और आपने देखा कि 10 से 15 मिनट हमने इसको खूब फेंट लिया है और अब ये बिल्कुल तैयार है। कैटल को मैं ऑफ़ कर रहा हूँ और उसके बाद हम इसको सर्व करते हैं कप में। कश्मीरी चाय तैयार है और अब इसके ऊपर बादाम और पिस्ता ये आप डालेंगे, ये देखिए बेहतरीन से, और इसको इंजॉय कीजिए और हमें बताइए कि आपको आज की कश्मीरी चाय कैसी लगी। सेकंड हमारी जो रेसिपी है आज की, मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए मसाला चाय, जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है। जब आपके थ्रोट में प्रॉब्लम हो, गले में खराश हो या गला ख़राब हो तो आप मसाला चाय पीजिए, और या स्पेशली आप कह लें कि बुखार है, तबीयत भारी है, तो उसमें भी आप मसाला चाय पी सकते हैं, बहुत आइडियल है। और इसमें आपके थ्रोट को बड़ा रिलैक्स मिलता है। अब इसके लिए आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है वो भी आप देख लीजिए, और साथ साथ हम इसकी प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। अब इसमें हम डालते हैं पानी। मल्टीपर्पज़ कैटल में हम इसको ऑन कर लेंगे और बॉइल पर इसको हम नॉब को ले आएंगे यहाँ पर, ठीक है। और जैसे ही आप ऑप्शन देंगे तो लाइट ऑन हो जाएगी। अब इसमें शामिल करेंगे हम पत्ती। पत्ती के साथ ही शामिल करेंगे इसमें, यहाँ पर आप देख रहे हैं सौंफ है, दालचीनी है, दालचीनी की 1 स्टिक, सौंफ, बड़ी इलायची, अदरक का पीस, ठीक है, ये सारी चीज़ें ऐड कर दी। और साथ ही चीनी आप डाल दीजिए, चीनी आपकी चॉइस है, आप इस वक्त डालना चाहें या अलग से डालना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है। बस अब इसका हम कहवा तैयार करेंगे। जब कहवा पक जाएगा तो हम इसमें दूध डालेंगे और हमारे पास मसाला चाय हो जाएगी तैयार। मसाला चाय का कहवा हमारे पास तैयार हो चुका है और अब हम डालेंगे इसमें दूध, ठीक है जी, 1-2 जोश आने देंगे और हमारे पास मसाला चाय हो जाएगी तैयार। और हमारे पास आप देख रहे हैं मसाला चाय जो है पक चुकी है। अब मैं कैटल को कर रहा हूँ ऑफ और इसको कप में निकालते हैं और आपको दिखाते हैं। और मसाला चाय हमारे पास तैयार है और इसको आप ट्राई कीजिएगा और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अब हमारे पास जो थर्ड रेसिपी है वो है कॉफ़ी चाय, चाय कॉफ़ी कुछ भी आप कह सकते हैं, बहुत सिंपल। आपने इसके इंग्रेडिएंट्स देखने हैं, और सबसे पहले हम डालेंगे इसमें पानी, ठीक है। बॉईल पर हमने इसको ऑन कर लिया। पानी के बाद पत्ती, पत्ती के साथ ही शामिल करेंगे कॉफ़ी। अच्छा, आप इंस्टेंट कॉफ़ी भी डाल सकते हैं या नॉर्मल कॉफ़ी भी डाल सकते हैं, मैं इस वक्त नॉर्मल कॉफ़ी डाल रहा हूँ। उसके बाद चीनी शामिल करेंगे, बस इसको पकने देंगे। जब हमारे पास कहवा तैयार हो जाएगा, अच्छे से बॉयल हो जाएगा, फिर हम इसमें ऐड करेंगे दूध।
इस वक्त हमारे पास बहुत अच्छी खुशबू आ रही है कॉफ़ी की और चाय की, और अब बारी है इसमें दूध डालने की, क्योंकि कहवा हमारे पास पक चुका है और अब इसमें हम शामिल करेंगे दूध। और हमारे पास चाय कॉफ़ी तैयार है, और यहाँ पर हमारे पास कॉफ़ी चाय हो गई है तैयार। मज़ेदार सी फ्लेवरिंग के साथ कॉफ़ी के और चाय का मिक्सचर, और मुझे बहुत पसंद है। अक्सर बेशतर घर में आप कह लें कि रात में या मूवी देखते हुए दिल चाहता है कॉफ़ी का, या सम टाइम दिल चाहता है चाय का, तो उसके लिए बहुत आइडियल है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चौथी चाय जो हमारी है वो है दूध पत्ती, और दूध पत्ती स्पेशली जब दिल चाहता है तो हम पठान के स्पेशली होटल का रुख करते हैं, और क्योंकि वहाँ की दूध पत्ती बेस्ट होती है, और नाम से ही जाहिर है दूध पत्ती, तो इसमें जाएगा दूध और पत्ती। ठीक है, पानी का इस्तेमाल इसमें नहीं होगा एक्चुअल, अगर आपको दूध पत्ती पीनी है तो। अच्छा, दूध पत्ती के लिए हमने क्या करना है, सिंपली आप कैटल को बॉइलिंग पर ले आएंगे, और पत्ती भी इसमें बहुत कम डलती है। ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पे आप देखेंगे जो मैं बना रहा हूँ इस वक्त, हम बना रहे हैं 2 कप दूध पत्ती, तो 2 कप दूध पत्ती में हम डालेंगे 1 चाय की चम्मच पत्ती, क्योंकि पत्ती जो है इसमें कम रखी जाती है, तो ये हमने 1 चाय की चम्मच पत्ती डाल दी। उसके बाद चीनी, अगेन आपकी चॉइस है, और अलग से चीनी डालना चाहें रखना चाहें वो भी कर सकते हैं आप। मैं इसमें डाल दूँगा इलायची, ठीक है, इलायची को खोल के, और ये हम इलायची डाल रहे हैं। और कैटल जो हमारे पास मल्टीपर्पज़ कैटल है, आपने देखा कितना फास्ट ये इसका इसकी वर्किंग कितनी फास्ट है, जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं विद इन अ सेकेंड जो है पानी बॉयल होना स्टार्ट कर देता है। और दूध पत्ती चाय हमारे पास बिल्कुल तैयार है। इसका आप कलर देख रहे हैं कितना खूबसूरत कलर आ गया है। अब मैं इसको कैटल को ऑफ कर रहा हूँ। दूध पत्ती हमारे पास तैयार है, इन्जॉय कीजिएगा और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और हमारी आज की फाइनल चाय, पांचवी चाय जो है वो है ढाबा स्पेशल। ढाबे की चाय में आप देखते हैं कि एक आपके इलायची के अलावा एक और फ्लेवर आ रहा होता है, वो फ्लेवर समझ नहीं आ रहा होता कि किस चीज़ का फ्लेवर है, तो वो है जनाब डलेगी इसमें दालचीनी और 1 पत्ती बादियान के फूल की। बहुत थोड़ा सा पानी डालेंगे, यानी कि अगर 1 कप आप बना रहे हैं तो 1/4 कप आप पानी डालेंगे और बाकी 3/4 कप आप डालेंगे दूध। ठीक है, तो 1/4 कप मैंने इसमें डाल दिया है पानी, तो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर मल्टीपर्पज़ कैटल जो है उसको मैंने ऑन कर दिया है। उसके बाद अब मैं इसमें डाल रहा हूँ पत्ती, पत्ती के साथ ही हम डाल देंगे इसमें चीनी, चीनी के साथ ही अब मैं इसमें डाल रहा हूँ इलायची 1 अदद। ठीक है, उसके बाद दालचीनी का पीस हम डाल देंगे तकरीबन 1 सिनेमन, लाइक आप यूँ समझ लीजिए कि क्वार्टर आप कह लें कि चाय के चम्मच जितनी आप डाल देंगे इसमें दालचीनी, और 1 स्टिक, 1 पत्ता, एक जो फूल होता है स्टार फ्लावर यानी कि बादियान का फूल, उसका 1 पत्ता आपने इसमें ऐड कर देना है। उसके बाद डाल देंगे आप इसमें दूध, बस अभी हमारे पास चाय पक जाएगी और इसको हम सर्व करेंगे। और ढाबा स्पेशल चाय हमारे पास हो गई तैयार। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, क्योंकि इसमें जो हमने दालचीनी, हरी इलायची और उसके साथ बादियान का फूल, तो अब इसको हम सर्व करते हैं और ये हमारी चाय तैयार है। तो जनाब, मुझे उम्मीद है आज की 5 डिफरेंट स्टाइल की चाय आप लोग जब बनाएंगे अपनी पसंद की तो आपको पसंद आएगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह ताला इसी तरह कहवे की भी डिफरेंट रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।